आरक्षण का जन हुआ आम, जाटों के बाद राजपूतों ने भी की मांग, आरक्षण समाज की एकता या बंटवारा। दरअसल हरियाणा के बाद जाट आरक्षण की आग अब राजस्थान को भी जलाने लगी है। जाट समाज अपनी मांगों के लिए उग्र और हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे समाज की तरफ से भी आरक्षण की मांग उठने लगी है। ऐसे में सवाल है कि आरक्षण से समाज मजबूत हो रहा है या फिर बट रहा है। आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। संविधान में आरक्षण को जगह क्यों मिली थी? इसलिए कि समाज के कमजोर और शोषित तबके को बराबरी का हक मिले। लेकिन आज के दौर में आरक्षण का नतीजा क्या निकला? हिंसा, मौत और सियासत, हर तरफ हाहाकार। अब तो इसका परिणाम वो भी भुगत रहे हैं जिनका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। कई ट्रेनें रद्द हैं, कई रास्ते बंद हैं, तो कई इलाज के लिए अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। हरियाणा में उठी जाट आरक्षण की मांग बवाल, तांडव और पूरी उग्रता के साथ अब राजस्थान पहुंच चुका है। लेकिन आरक्षण के रण में ये आवाज सिर्फ जाटों की नहीं, अब राजपूत समाज भी अपने लिए आरक्षण मांगने लगा है और सियासी पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। और राजस्थान में जिस प्रकार से ईबीसी के आरक्षण की मांग हुई, इसको लेकर के एसबीसी के साथ जोड़कर जो सरकार ने कार्ड खेला, वो भी एक तरह से छलाव आई है। तो सरकार की नीति पूरी तरह से छलावे की। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान राजपूत समाज से भी कोई वादा किया था, और जो देश की राजनीति या वोटों की राजनीति, उसके मद्देनजर सामाजिक जो मुद्दे हैं उनका दरकिनार नहीं करे, तो ये सारी विडंबना इससे उत्पन्न हुई है। आरक्षण का प्रावधान लागू करने से पहले ये कभी नहीं सोचा गया होगा कि समाज के शोषित तबके की भलाई की इस पहल में भयंकर आग छिपी है, जिसकी लपटें रह रहकर समाज को जलाएंगी। चाहे वो गुजरात में पटेलों का आरक्षण मांगना हो या हरियाणा और राजस्थान में जाटों का, अब तो समाज के दूसरे तबके भी आरक्षण की मांग करने लगे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ यही उठता है कि आरक्षण समाज को मजबूत कर रहा है या उसे तोड़ने में लगा। लोकतंत्र के अंदर हर प्रकार की मांग रखना वाजिब है, लेकिन मांग रखने का एक तरीका होना चाहिए। इस प्रकार के हिंसात्मक आंदोलनों से किसी मांग को रखना, उसको मनवाना, मैं समझता हूँ किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी प्रक्रिया नहीं है। आज एक समाज आंदोलित होगा तो दूसरा समाज आंदोलित होगा। जैसे राजपूत समाज ने भी आज कहा कि हम भी आरक्षण के हकदार हैं, अगर इस प्रकार के आंदोलनों से अगर आरक्षण मिलता है तो हम भी उस राह पे जाएंगे, तो ये सब समाजों के लिए एक अच्छी परंपरा का निर्माण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल भर पहले जाटों को आरक्षण देने पर यह कहते हुए रोक लगाई थी कि जाट आर्थिक रूप से संपन्न, उन्हें आरक्षण की जरूरत ही नहीं। फिर सवाल है कि इसके बावजूद जाट आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? क्या उनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत नहीं? जाट ही क्यों, अब दूसरे तबकों से भी आरक्षण की मांग क्यों उठने लगी? कहीं आरक्षण का इतिहास वर्तमान में वोट की जुगाड़ तो नहीं बन गया है? या फिर आरक्षण लोगों को बराबरी का हक दिलाने की बजाय समाज और जातियों के बीच नफरत की वजह तो नहीं बन गया? सोचना जरूरी है, लेकिन कौन सोचेगा, कब सोचेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार। यकीनन इस मामले में सोचना जरूरी है, लेकिन कौन सोचेगा, क्योंकि देश के साथ साथ आज प्रदेश भी आरक्षण की आग में जलने लगा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जाट आरक्षण समिति के चेयरमैन डॉक्टर हरि सिंह, सामाजिक न्याय आंदोलन के प्रवक्ता यशवर्धन सिंह राठौर जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश चौधरी जी और बीजेपी नेता डॉक्टर आलोक भारद्वाज जी। हरि सिंह जी, आपके पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगा, क्या आरक्षण पाने का अब ये एक अंतिम विकल्प बचा है कि हंगामा किया जाए, आगजनी की जाए, पत्थरबाजी की जाए, विद्रोह किया जाए और उस आम जनता को परेशान किया जाए जिसका दरअसल इससे कोई लेना देना नहीं है? देखिए, आरक्षण के मामले में मैं हिंसा के खिलाफ हूँ जी, लेकिन सामाजिक समझने की जरूरत है, जो आम आदमी अभी नहीं समझ रहा है कि सामाजिक न्याय, जैसे आपने हाईकोर्ट का फैसला की बात कही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कही, सामाजिक न्याय और लीगल न्याय, इसमें फर्क मानना पड़ेगा जी। सामाजिक न्याय है वो सामाजिक संरचना के हिसाब से होती है, लीगल न्याय
स्टेबलिश लीगल वैल्यूज के हिसाब से होती है। स्टेबलिश लीगल वैल्यूज हैव नो राइट टू डू सोशल जस्टिस, जो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आजकल पार्लियामेंट से भी हावी हो रहे हैं। मेरा बिल्कुल ये कहना है कि इन पे लगाम लगानी चाहिए जी। और सामाजिक न्याय के लिए भी एक नई, जैसे आरक्षण आज जातियों के आपस में लड़ाने का एक माध्यम लोगों ने कर दिया है, मैं इसके खिलाफ हूँ। कोई भी जाति अगर अपनी बात रखती है शांति से, तो उसको सुनने की और उसको समाधान की जो कमीशन बने रखे हैं उनके माध्यम से। लेकिन हरी जी, ऐसा क्यों होता है कि जब भी शांति से कोई आंदोलन होता है तो उसका असर दिखता नहीं, और जब हंगामा प्रदर्शन आगजनी होती है तो फिर आम आदमी परेशान होता है। जाट आंदोलन को लेकर भी यही तस्वीर निकल कर सामने आई। देखिए, इसमें क्या होता है कि भीड़ में कोई भी आदमी जैसे गलत बात कर देता है जी। जैसे हरियाणा में बीजेपी के कुछ आदमियों ने ऐसा कमेंट्स किया जो जिससे लोग भड़क गए जी। ऐसे ही राजस्थान में अभी मैंने देखा था कि राहुल गांधी के मामले में कुछ कमेंट्स कर दिए लोगों ने जी। तो इन लोगों पे, जिम्मेवार लोगों पे बड़ी लगाम लगानी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए कि जिम्मेवार आदमी। हरी जी, अगर ऐसा क्या राजस्थान के अंदर विवाद हो गया या कोई बयान जाटों को लेकर दे दिया गया कि दो जिलों को सुलगा दिया गया, और जरा याद उनको कीजिए जो कैप्टन रहे हैं जाट से जुड़े हैं पवन जी, वो कहते हैं कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, वो शहीद हो चुके हैं। जब कैप्टन तक को आरक्षण की जरूरत नहीं, जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर हर वक्त जिंदगी और मौत के बीच चलता है, आखिर आम आदमी को आरक्षण की जरूरत इस तरीके से मनवाने की जरूरत क्या? मेरे से पूछ रहे हैं जी। देखिए, आरक्षण की जरूरत आपको जैसे बताया ना कि सोशल इनजस्टिस जी, कई दफा लोग ये भी कहते हैं कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए जी। मैं एक बात कहता हूँ, मैं आर्थिक आधार पे खिलाफ नहीं हूँ जी, लेकिन मैं एक बात और सबको कह देना चाहता हूँ, जब जुलूम जाति आधार पे हुए हैं जी, तो समाधान भी जाति आधार पे ही होगा। चलिए हरी जी, आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि अगर इस तरीके से जस्टिस होता तो शायद 65 साल आजादी के बीत चुके हैं, अब तक हो चुका होता। यशवर्धन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, खुद आप आरक्षण के खिलाफ कोर्ट भी गए हैं, आप किसके खिलाफ हैं? जिस तरीके से आरक्षण दिया जाता है उसके खिलाफ है, या आरक्षण का असर दिखाई नहीं दे रहा उसके खिलाफ? देखिए, जिस तरीके से बात चल रही है कि जाट या राजपूत सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा की सरकारें सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है जी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानी जजमेंट में साफ लिखा कि हर 10 साल में स्टैचुरी इसका रिव्यू होना चाहिए कि कितनी जातियां सक्षम हो चुकी, और जो सक्षम हो चुके उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाना चाहिए जी। आज जो जाट आरक्षण हरियाणा में फैला है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि 2003 में ओबीसी का रिव्यू हो जाता तो जाट जिन्हें अपने बराबर मानते हैं वो जनरल में आ जाते, तो आज जाट उद्वेलित नहीं होते। आज यही बात राजस्थान की है, जब एक राजपूत को लगता है कि मेरे बराबर, मेरा पड़ोसी मेरे बराबर है, जिसके साथ मैं पूरे जीवन से रह रहा हूँ, वो मेरे बराबर का है, उसको ओबीसी का आरक्षण दिया गया है, और दिया भी ऐसा गया है कि रिव्यू ही नहीं हो रहा है, ये हमेशा के लिए दे दिया गया है। तो जब इस तरह की जब बातें होंगी तो राजपूत भी उसके लिए आंदोलन करेगा कि मुझे भी इस तरह का आरक्षण दिया जाए। आप मुझे हिंदुस्तान में एक वानगी बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस राज्य ने माना है। अगर 2003 में रिव्यू हो जाता तो आज बहत्तर गुजर नहीं माने जाते राजस्थान में। और ये अलग से जो एसबीसी का जो फंडा लेकर आए हैं जिससे 54% आरक्षण हो जाएगा, ये देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए ये सामाजिक डिस्कंटेंट इसलिए पैदा हो रहा है कि आपने आरक्षण को फ्रीज कर दिया है। जिसको मिल गया उसको मिल गया, जिसको नहीं मिला उसको नहीं मिला। इसलिए जब तक आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे ये झगड़े पूरी हमेशा होते रहेंगे। चलिए आलोक जी, आपके पास आऊंगा, वोट बैंक की राजनीति से क्या सरकार निकलती नजर आएगी? देखिए विजेंद्र जी, मैंने हरी सिंह जी को भी सुना, मैंने ईश्वरधन को कहा, बात सबसे बड़ी बात आती है कि आप इस बात को हम वोटों से क्यों उड़ते हैं, जब लोगों ने धारणा ये बना रखी कि वोट बैंक तो इससे ऊपर उठ के देखना चाहिए। आखिर सामाजिक समरसता भी कोई चीज है, मानवता भी कोई चीज है, हम उन्हें देखें। हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना, हम आपको नजर आ रही है जो आज दो जिलों के अंदर होती नजर आ रही है। सोचना चाहिए सरकार करती समाज के
सर सरकार रिव्यू करे, सरकार ने 2008 में भी लेके आई थी, सरकार तो 2010 में सरकार कुछ लाती है उससे पहले हम ही कोर्ट में लाके खड़े हो जाते हैं, सरकार थोड़ी कोर्ट में जाती है, कोर्ट में जब जाते हैं हम ही है ना, एक सरकार कोई कदम उठाती है उस कदम को देखते नहीं, उससे पहले हम कोर्ट में चले जाते हैं। तो सामाजिक समरसता की जब हम बात करना ही नहीं चाहते, हमारे यहाँ समाज में हम सब तथाकथित नेता बनना चाहते हैं समाज के, हम चाहते हैं कि मैं ही कर रहा हूं, जब ये मैं की भावना खत्म हो जाएगी तब वाकई में देश के लिए हम कुछ कर पाएंगे, सबकी जरूरत है इस मैं की भावना को हर व्यक्ति के अंदर से खत्म करने की। जी चलिए नया जिक्र कर लेते हैं, अगस्त के अंदर हाईकोर्ट ने कहा कि रिव्यू होना चाहिए, 4 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, 6 महीने बीत चुके हैं, रिपोर्ट कहां पर है? सर सरकार इसके ऊपर, सरकार जो है मेरी खुद गृह मंत्री से बात हुई है इस मुद्दे के बारे में, सरकार उतनी ही इसके अंदर सरकार भी सोच रही है, सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है और सरकार को पता है कि जनता के हित के काम करने के लिए ही सरकार को जनता ने चुना है, सरकार किसी की भी हो जो भी प्रतिनिधि आता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है तो जनता के प्रति अकाउंटेबल होता है चाहे व्यक्ति कोई भी हो और सरकार इस चीज को जानती है, हम प्रयासरत है, कुछ ये होते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बैठ के जिस चीज का सोल्यूशन निकाला जा सकता है उसके लिए आज सरकार की संपत्ति को जलाना ये कहां तक उचित है? आलोक जी जरा बताइए, 7 दिन से न्याय कर्मचारी जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सरकार से क्या एक भी नुमाइंदा उनके बीच पहुंचा? ये आप न्यायिक अधिकारी जो दे रहे हैं न्यायिक अधिकारियों को, इसके बाद ये धरना और प्रदर्शन ही सबसे बड़ी चीज है। देखे आप किसी चीज को सात्विक तरीके से भी तो अपन पहुंचा सकते हैं, समाज के अंदर और भी रास्ते होते हैं, लेकिन हमारी नहीं उस तरफ सुनती नजर नहीं आती। यशवर्धन जी आपके पास आऊंगा, क्या सरकार की नाकामी है जिसकी वजह से आगजनी होती नजर आती है? क्योंकि जब भी शांतिपूर्ण तरीके से कोई धरना प्रदर्शन होता है सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, लेकिन जैसे ही आगजनी होती है, हंगामा होता है, प्रदर्शन होता है, सरकार बैकफुट पर आती है और घुटनों के बल उनके सामने आ जाती है। विजेंद्र जी सरकार इतनी संवेदनशील है कि एक पूर्व विधायक धरने पर बैठा बैठा मौत के ग्रास चला गया, मर गया वो, लेकिन सरकार के पास उसके पास जाने के लिए वक्त नहीं था। अगर ये कहते हैं कि हम ये आगजनी क्यों करते हैं, क्योंकि एक संदेश देते हैं कि आगजनी के बिना हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। यशवर्धन जी इसका मतलब आगजनी करना मारपीट के संदेश का यही एक तरीका होता है पुराने जमाने में हम लोगों के यही होता है? जवाब दीजिए ना जरा, इसके अलावा कौन सी भाषा सरकार समझती है आज की तारीख में? सर ये कुछ जवाब होता है कि अब हम मारपीट और ये अगर हमने इसका मतलब हम बिल्कुल ही उत्सृंखलता में उतर आए हैं, हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस देश में सिर्फ अराजकता ही सबसे बड़ी चीज है। आपके पास आऊंगा सुरेश जी, आपको मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। जी कांग्रेस सरकार ने 2 जिलों के अंदर जो जाट है उनको आरक्षण दिया, लगभग 15 साल तक उनको आरक्षण का फायदा भी मिलता रहा, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से रिपोर्ट तैयार की नहीं गई, उस दौरान चुनाव था आप भी जानते हैं, क्या उसका फायदा उठाने के लिए सब कुछ किया गया जिसका नुकसान आज प्रदेश भुगत रहा है? देखो विजेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान के जो भी आंदोलन कर रहे हैं उन सब समुदायों से प्रार्थना करूंगा कि आंदोलन उग्र ना करें, और आपके ही चैनल पर डॉक्टर हरि सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जाट आरक्षण के लिए आंदोलन किया जी, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, लेकिन एक ईंट तक नहीं हुई, एक थड़ी पैसे एक मूंगफली तक फोकट में नहीं उठाई जी, लेकिन जब किसी भी सत्तासीन पार्टी से जनता का किसी समुदाय का किसी वर्ग का विश्वास उठ जाता है उसके बाद में यह आंदोलन की स्थिति आती है। आज केंद्र में सरकार भाजपा की है, राजस्थान में सरकार भाजपा की है, हरियाणा में सरकार भाजपा की है, और भाजपा से जनता का विश्वास उठ सका कि ये जो वादे करते हैं जो बात करते हैं उन पे खरे नहीं उतरते, ये तो संघ की भाषा के अंदर संघ की भाषा में तेज बोल बोल के बार बार झूठ बोल बोल के अभी भी मेरे पड़ोस में बैठे आवाज तेज करके दबाना चाहते हैं, ये जनता दबेगी नहीं। सुरेश जी से समाधान स्थापित करने पड़ेंगे, सुरेश जी से बातचीत करनी पड़ेगी, जनता के बीच जाना पड़ेगा, जाट हो चाहे राजपूत हो चाहे गुर्जर हो, आवाज सुननी पड़ेगी और इनके हक के फैसले करने पड़ेंगे। सुरेश जी समाज की नेतागिरी की जब हम बात करते हैं तो इससे ऊपर जाके हम सोचना चाहिए। सुरेश जी संविधान के अनुच्छेद 16 समाज मुताबिक सामाजिक और भाजपा ऐसी है, आप लोग आपको हर बात के अंदर सुरेश जी जरा समझाइए, जब आरक्षण दिया गया 2 राज्यों के साथ आरक्षण दिया गया, मजदूरों
मेरे से फर्क नहीं पड़ता, जनता का विश्वास झगड़ने के लिए आए हैं। अगर आप दोनों यहां पर झगड़ने के लिए आए तो हम बैठ जाते हैं, आप आपस में बात कीजिए। बात झगड़ने की नहीं है विजेंद्री, बात झगड़ने की नहीं हो रही, बात इंसानियत की बात है। झगड़ने लगते हैं दोनों यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं तो पब्लिक सुन पा रही है। सुरेश जी, सवाल मेरा आपसे है, अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनना चाहिए था, उसके बाद सिफारिश के मुताबिक ओबीसी के अंदर यहाँ पर दो जिलों को आरक्षण मिलना चाहिए था, अति पिछड़ा वर्ग बनाया नहीं गया और दो नौ राज्यों के साथ आरक्षण यहाँ पर दे दिया गया। अगर लगता नहीं आपको उस वक्त अगर पूरे रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम किया जाता तो आज ये समस्या नहीं आती? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो जिस टाइम पे जो सरकार सत्तासीन थी और उस सरकार ने अगर कोई आयोग बनाने में, आयोग की रिपोर्ट देने में और कहीं कमी रखी है तो वो सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, वो सरकार की गलती है। उस सरकार को उस टाइम पे उस वर्ग के लिए उस वर्ग की बात को वहां तक पहुंचाना चाहिए था। मैं इस बात की बात से सहमत हूं जी। चलिए आलोक जी, अब आपके पास आऊंगा। आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब सुराज संकल्प यात्रा चुनाव से पहले निकाल रही थी उस दौरान कहा गया था कि राजपूतों को भी आरक्षण दिया जाएगा। अब आरक्षण को लेकर करणी सेना भी सड़कों पर उतर चुकी है। क्या नेताओं के बयान समाज को जोड़ने की जगह तोड़ने का काम करें और सीधे सीधे उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति नहीं तो और क्या है? देखिए, वसुंधरा जी ने ये बयान इस कभी इंटेंशन से नहीं दिया कि मुझे समाज को झगड़ा कराना है। आप ये देखिए, आरक्षण की बात तो सन 1981 से चली आ रही है, इस देश में चलती आ रही है। इसी राजस्थान के अंदर सबसे पहले शिवचरण माथुर जी से ही जब आयोग नाम मांगे गए थे कि कौन कौन सी जातियों को एसटी में सम्मिलित किया जाए, जो केंद्र ने ब्यौरा मांगा था उसमें उन्होंने किसको दिया किसको नहीं दिया, ये तो सरकार में हर सरकार के अंदर चलता है। तो कभी उनका कोई निजी मंतव्य नहीं था कि मेरे को विरोध करवाना है सरकार। जनता ने उनसे पूछा कि किया जाएगा तो उन्होंने कहा मैं पूछूंगी सुनूंगी और मैं करूंगी। तो वो आज सबके लिए कह रही है इस बात को, तो सरकार सबको सुनने को तैयार है, सरकार सबके प्रस्ताव देने को तैयार है। लेकिन हमारे को समाज के नेताओं को यह सोचना चाहिए कि हम देश के लिए बात करें। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज कोई आईएएस बन जाता है, क्या वो कभी अपने मुंह से आज तक मैंने किसी समाज के नेता को यह कहते सुना का, चाहे वो कोई सा भी समाज हो, चाहे जाट समाज हो, राजपूत समाज हो, सवर्ण समाज हो, या किसी ने किसी नेता ने कहा कि हमें बड़ा ऐसा भी करना चाहिए कि हमारे समाज में से जो प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं उनके परिवार में अब आज के बाद आरक्षण नहीं दिया जाए। कोई समाज में किसी ने यह प्रश्न उठाया क्या? मैं पूरे राष्ट्र के लिए बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी से बात नहीं कर रहा हूं। सरकारों की यहां पर बनाई गई है। हरी सिंह जी, आपके पास माना चाहूंगा, एक जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। 1993 के अंदर बालाजी मामले का जिक्र यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाति अपने आप में कोई आधार बन नहीं सकती, उसमें दिखाना पड़ेगा कि पूरी जाति ही शैक्षणिक और सामाजिक रूप से बाकियों से पिछड़ी है। सवाल मेरा आपसे यह है कि 33 जिलों में से 31 जिलों में जाटों को आरक्षण है, सिर्फ इन दो जिलों के अंदर आरक्षण उस वक्त दिया क्यों नहीं गया? देखिए, ऐसा है कि कुछ गलतियां कोई आयोग या कर देता है तो उसका उदाहरण नहीं दिया जाता जी। इनके खिलाफ में इनको जो आरक्षण मिल गया था पहले वो स्टेट कमीशन ने दिया था और अब जो कोर्ट ने फैसला किया है मैंने उस फैसले को पढ़ा है जी। कोर्ट ने फैसला उनके खिलाफ में गलत दिया है। मैंने फैसले के बाद में भी कह दिया था कि तर्क आधार फैसला नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने दो ही बातें कही है इनके खिलाफ फैसला करने में कि एक तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं थी, कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट नहीं थी जी। अरे फिर ओबीसी कमीशन की तो रिपोर्ट थी इनके पक्ष में, तो कोर्ट ने भी इनके खिलाफ में जो फैसला किया है वो गलत किया है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ये नेशन में डिबेट होना चाहिए कि सोशल जस्टिस और लीगल जस्टिस जी। आज लीगल जस्टिस डोमिनेंट हो रही है, पार्लियामेंट से सब्सिडी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट दादागिरी कर रही है जी। इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि देश की आत्मा को कौन रिप्रेजेंट करता है, हाई कोर्ट करती है या सुप्रीम कोर्ट करती है। इसलिए मैं आपको साफ कहता हूँ ये डिबेट भी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी है या पार्लियामेंट की और पीपल विशेष की। पीपल विशेष इज रिप्रेजेंटेड थ्रू पार्लियामेंट, नॉट थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सोशल जस्टिस जो कर रहे हैं पानी नहीं चाहिए हाई कोर्ट दे रही है, सड़क में ही हाई कोर्ट दे रही है, ये सब तमाशा हो रहा है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लगाम लगानी पड़ेगी इस देश में। इस देश की जो प्रजातंत्र है उसको खतरा है इसलिए आज की लीगल सिस्टम से। इसलिए लीगल सिस्टम को के बारे में क्या रिलेशन होना चाहिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का कोर्ट का,
ये एक डिबेट होनी चाहिए देश में जी। मैं आपको साफ कर रहा हूँ, यशवर्धन जी हरी सिंह जी जो कह रहे हैं आप सहमत नजर आते हैं। देश में इसके मुताबिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया ही नहीं गया था और पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी को कोई रिपोर्ट दी नहीं थी। आदरणीय हरी सिंह जी जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जी बार बार हस्तक्षेप कर रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केवल प्रोसीजर पे बात करता है कि विद ड्यू प्रोसेस आपको आरक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया जी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कह चुका है कि हम किसी जाति को अगड़ा या पिछड़ा घोषित करने वाले नहीं है, केवल हम ये देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग आयोग और नेशनल कमीशन जो है उसने प्रोसेस अडॉप्ट की कि नहीं, और अगर वो प्रोसेस अडॉप्ट नहीं की है तो हम उस पर रोक लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर आलोक भारद्वाज साहब अभी कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूं कि अन्याय की बानगी देखिए कि राजस्थान विधानसभा में दो बिल एक ही दिन पेश किए जाते हैं और दोनों बिल एक ही दिन गवर्नर से साइन होकर जाते हैं, और दोनों बिलों में से एक बिल को इसलिए लागू कर दिया जाता है क्योंकि उस कम्युनिटी के लोग पटरियां उखाड़ सकते हैं जी। और दूसरा बिल जो 14% का बिल जिस पर राज्यपाल साइन कर चुके, 50,000 भर्तियां निकल गई, लेकिन वो इसलिए उसको लागू नहीं किया जाता क्योंकि कोई हिंसक आंदोलन अभी हुआ नहीं है। ये लोग जानबूझकर इंस्टिगेट कर रहे हैं सारी जातियों को कि आप लोग जब तक सड़क पर नहीं उतरोगे तब तक आपकी मांग नहीं मानी जाएगी। आखिर क्या कारण है कि एक ही बिल, दो बिल एक ही दिन जो पास होते हैं उसमें से आप एक को लागू कर देते हैं? आलोक जी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि आपने कहा कि एक ही बिल, सबसे बड़ी बात है यशवर्धन जी, आपको मैं बताना चाहूं तो देश जो है संविधान क्या करता है, अगर संविधान की आप बात करते हैं तो 39B हमारा जो आर्टिकल है, आप उसको पढ़ेंगे तो ये आपने ही कहा था 1992 में इंदिरा सानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के, जिसमें कहा गया था कि 50% से प्रचार आरक्षण नहीं चाहता सरकार ने, जो 14% का सवर्णों का आरक्षण है, मैं खुद सवर्ण, मुझे पता है सरकार ने उस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार भेज चुकी है कि नवी अनुसूची में संबोधित कर दिया जाए। गुजर आरक्षण से 50% ऊपर, 4% ऊपर चले गए आप जिसका हवाला दे रहे हैं। लेकिन 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 यशवर्धन जी हमें उनको भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सुरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या वाकई में आरक्षण का मुद्दा आज देश और प्रदेश के अंदर कुछ इस तरीके का हो चला है कि समाज को जोड़ने की जगह बांटने का काम कर रहा है? देखिए, ईमानदारी की बात तो ये है कि राजनीति की देश में सही काम नहीं कर रहे जी, सब वोट बैंक के हिसाब से बातें कर रहे हैं जी। बिल्कुल हरी जी वोट बैंक के हिसाब से काम करते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुरेश जी, सवाल मेरा आपसे है, क्या आज प्रदेश को, आम आदमी को, समाज को बांटने का काम आरक्षण कर रहा है? ये कर रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ जी। आरक्षण लोगों की, जो गरीब लोग है जी। सुरेश जी जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है थोड़ी। मैं कह रहा हूं कि जो 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 आरक्षण का जो समाज को तोड़ने का काम हो रहा है, ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट हो, मैं कोई पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उसको जो भी, जिस समाज की, जिस वर्ग की जो समस्या है, जिस वर्ग, जो वर्ग अपनी बात रखना चाहता है, उस बात को हमेशा सुनना चाहिए, जिनसे डायलॉग स्थापित करने चाहिए, उनके नेताओं से मिलना चाहिए और वो बात हमेशा पूरी करनी चाहिए। उसमें आप जब चुनाव में जाते हैं तो अलग बात करते हैं, आप सत्ता में आने के बाद में अलग बात करते हैं। तो ये जो बातें, जिस भी पार्टी हो, वो पार्टी अपना विश्वास आज के दिन जो समस्या है भारत में, चाहे वो हरियाणा में समस्या है, चाहे राजस्थान में समस्या है, वो समस्या का मूल, वीरेंद्र जी, कारण यह है कि भाजपा से जनता का विश्वास उठ चुका, वर्गों का भी विश्वास उठा हो। हर बात में आप यही कहते हैं यशवर्धन जी, आपका भी शुक्रिया। समस्या यहीं पर आकर खड़ी होती है कि आरक्षण लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन जो रिव्यू का सिस्टम है उस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा। 1993 से 2003 में रिव्यू होना था, रिव्यू हुआ नहीं। 2003 से 2013 में रिव्यू होना था, रिव्यू यहां पर भी नहीं हुआ। और अगस्त के अंदर जब कोर्ट ने कहा कि 4 महीने के अंदर रिपोर्ट तैयार की जाए, तो रिपोर्ट का भी अभी तक कोई अता पता नहीं। और यही सबसे बड़ी समस्या प्रदेश और देश के अंदर बनी हुई है कि आरक्षण को लेकर नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते नजर आते हैं और फिर आगजनी और पथराव सड़कों पर नजर आता है, जिसका खामियाजा आम आदमी भुगतता नजर आता है। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।